हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड ऑटो से किसी भी गाड़ी में टच स्क्रीन में हम वीडियोस कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में वीडियोस प्ले कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, मैं कोई भी वीडियो YouTube पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मोटू, सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप मोटू पतलू के सारे स्क्रीन्स ओपन हो गए हैं। यहाँ मैं जस्ट प्ले करूँगा और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गाड़ी में कोई भी वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस प्ले कर सकते हैं, यूट्यूब की, अपने मोबाइल्स के अंदर की, ठीक है, अपने डाटा स्टोरेज की वीडियो कैसे प्ले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। वहाँ पे आपको लिखना होगा एंड्रॉयड ऑटो, जिसमें आप देखेंगे किसी किसी फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो गूगल मैप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, किसी किसी फ़ोन में नहीं होता। ये एंड्रॉयड ऑटो फॉर फ़ोन यूज़ स्क्रीन्स, तो आपको ये इंस्टॉल करना है। जैसे कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इसके सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में सबसे नीचे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा होता है वर्ज़न, ये वर्ज़न है। ठीक है, इस वर्ज़न को आप पे आपको कम से कम 7 to 8 times जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, बार बार क्लिक करते रहना है, ऑटोमेटिक एक स्क्रीन आ जाएगी आपके पास जिसमें वो आपको ओके और कैंसिल करने को बोलेगा। तो आपको ओके करना है और आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑलरेडी ओपन हो रखा है, तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे मेरा कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन ओपन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते रहेंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाएगी जिस पर आपको ओके और कैंसिल करना है। ठीक है, तो उसके आपको यहाँ पे जाके 3 बटन जाके डेवलपर सेटिंग आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेवलपर सेटिंग पे जाना है, आपको सबसे नीचे जाना है और अननोन सोर्सेस पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मोड पे आपको डेवलपर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको एंड्रॉयड ऑटो में सिर्फ इतना काम करना है। इसके बाद मैं एंड्रॉयड ऑटो को एग्ज़िट कर दूंगा। ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो को एग्ज़िट करने के बाद आपको गूगल पे जाना है। गूगल में आपको यहाँ लिखना है AAADAPK। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे आपको एक वेबसाइट दिखेगी GITHUB.com, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे AAAD की ऐप दिख जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको ये डाउनलोड करना है। गो टू डाउनलोड्स, यहाँ इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन जो होगा इसका वो आपको डाउनलोड करना है, वर्ज़न 1.4। यहाँ पे इस पे असिस्ट में जाके इस आर्ट 1.4 APK पे क्लिक करना है। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड के लिए बोलेगा, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आपको डाउनलोड करके इसे ओपन करना है और फिर इंस्टॉल करना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो ये आपका आइकन आ जाएगा AAAD, इस पर आपको ओके करना है। यहाँ पे ये आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पे इस ऐप में जो फ्री वर्ज़न है, इस फ्री वर्ज़न में आप सिर्फ एक ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मंथ में एक बार, कोई एक ही ऐप। आप इसका प्रो वर्ज़न भी ले सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको ये फ्री वर्ज़न बता रहा हूँ जिसके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो आपको जस्ट ये ओपन करना है, क्लिक करना है, उसके बाद आपको कार स्ट्रीम पे। अब यहाँ पे मेरा यू हैव नो डाउनलोड्स रिमेनिंग है इसलिए दिखा रहा है कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। कार स्ट्रीम पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे कि आपको कौन सा वर्ज़न डाउनलोड करना है। जो लेटेस्ट वर्ज़न होगा वो आपके टॉप पे आएगा, उस पर ओके करके आपको इंस्टॉल करना है। जस्ट इंस्टॉल करने के बाद
आपको इस ऐप को एग्ज़िट कर देना है। ठीक है, एग्ज़िट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका एक कार स्ट्रीम का एप्लीकेशन आ जाएगा फ़ोन में। जैसे आपको ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आप इसको क्लिक कीजिए। जस्ट आपको ये देखना है कि ये एप्लीकेशन यूट्यूब की तरफ प्ले हो रही है, दिख रही है आपको। आपको कुछ नहीं करना, एग्ज़िट कर देना है आपको। ठीक है, फिर जस्ट आपको अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड हो आपके पास, एप्पल हो, बट अभी ये एप्पल पे अवेलेबल नहीं है ऐड ऐप, तो आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन जो है अपने यूएसबी से प्लग करेंगे, अपने यूएसबी से और ब्लूटूथ से, जिस वजह से आप अपने कार इंफोटेनमेंट में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो आ रहा है ऑप्शन, और मैं यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक कर दूँगा। एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैप खुलता है, तो आप इसके ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शन में आप जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कार स्ट्रीम का ऑप्शन आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको आपके फ़ोन में ऐड ऐप डाउनलोड करनी है, उस ऐप से आपको कार स्ट्रीम डाउनलोड करना है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे सिर्फ आपको अपने फ़ोन को एंड्रॉयड अपनी गाड़ी से कनेक्ट करना है थ्रू एंड्रॉयड ऑटो। अब आप देखेंगे कार स्ट्रीम का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, आप जैसे इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी कनेक्टेड वीडियो है, तो मैं इसके होम पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आप देखिए पूरा पेज आपका यूट्यूब की तरफ ओपन हो जाता है। आप यहाँ से कोई भी गाना चेक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग योर ऑटो। ओके, जैसे मैं इस गाने पे क्लिक किया, पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूं। सवाल इसकी देखिए हेल्थ का वीडियो है, प्ले हो गई है, जवाब इसमें ऐड आ रही एक्सपर्ट से है। पूछ ले। प्रैक्टो ऐप पे। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो डाउनलोड दिया। ये गाना प्ले हो गया। इसको आप फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दूं, थोड़ा वेट, क्योंकि मेरा नेट स्लो है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं फुल स्क्रीन से एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी सॉन्ग, सर्च का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और आप फुल एंजॉय कर सकते हैं अपने पूरे वीडियोस को, अपने व्हाइल योर ड्राइविंग। लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये। ठीक है, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप व्हाइल ड्राइविंग कोई भी वीडियो प्ले ना करें। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।